बड़ा केस, बड़ी पेशी। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ एक घंटा ताखीर से नैब में पेश। पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी और आशियाना इकबाल केस में नैब के सवालों के जवाब देंगे। नैब ने सवाल नामा दे दिया। जराए डाकुओं की ईदी मुहिम, शहर में 3 घंटों में 10 से ज्यादा वारदातें। किसी के घर में डाका तो कोई सरे बाजार लूट लिया गया। गुज़श्ता रात मुज़ाहमत पर डाकुओं ने खातून मार डाली थी। ईद के करीब यके बाद दीगरे वारदातों पर शहरी खौफ और हिरास का शिकार। ईद उल अज़हा की छुट्टियों का कल से आगाज, परदेसियों की आज से ही धड़ाधड़ वापसी। लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश, ट्रांसपोर्टर्स के मन माने कराए। मुसाफिरों को मुश्किलात, किसी को सीट ना मिलने की शिकायत तो कोई ओवरचार्जिंग से परेशान। मैंने जाना मर्दान हफ्ता डेढ़ पहले जो है 900 रुपया किराया था, अब जो किराया बढ़ चुके 1000 रुपया किराया, 100 रुपया किराया उन लोगों ने बढ़ा दिया है। अब समझ नहीं आ रहे कि मजदूर आदमी और परदेसी आदमी क्या करेगा लाहौर में। सरगोधे का 500-600 रुपया किराया ले रहे हैं, ये ज्यादा बहुत ज्यादा है। छोटी ईद पे 800 रुपया किराया था, अभी बढ़ा दिए 200 रुपया बढ़ा दिए, अभी 1000 रुपये। बड़ी ईद है अब बड़ी ही करीब। शहर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, शहरियों को सस्ते और खूबसूरत जानवरों की तलाश। व्यापारियों के मुंह मांगे दाम, कहीं खूबसूरत बैलों की जोड़ी तो कहीं धूम, तो कहीं नाज नखरे वाले बकरों के चर्चे। खरीदारी का कठिन मरहला, सोशल मीडिया ने सब कुछ कर दिया आसान। रंग, नस्ल, वजन और कीमत पसंद करें और ऑनलाइन ऑर्डर बुक कराएं। ईदे कुर्बा पर छुरियां तेज करने वालों की छुरियां भी तेज, दाम बढ़ा दिए गए। कसाबों के साथ साथ कुर्बानी का जानवर खुद जिबा करने वाले शहरी भी परेशान। शहर की सफाई सुथराई, बड़ी ईद पर बड़े इंतजामात। 299 यूसी कैंप्स, 116 आरजी ट्रांसफर स्टेशन कायम, शहरियों में 21 लाख वेस्ट बैग्स तकसीम। ईद उल अज़हा पर शहर को साफ रखने के लिए बेहतरीन इकदामात किए गए हैं। मेयर लाहौर और चेयरमैन LWMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला इंतजामिया ने ईद के आयाम में कुर्बानी के जानवरों की खालें इकट्ठी करने की इजाजत दे दी। 245 NGOs को NOC मिल गया। NGOs की सख्त स्क्रूटनी के बाद इजाजत दी गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर पार्किंग कंपनी के मुलाजमीन की ईद की खुशियां फीकी पड़ गईं। कंपनी का तमाम फील्ड स्टाफ तनख्वाह से महरूम। पंजाब पुलिस में रीजन बदर और जिला बदर होने वाले इंस्पेक्टर्स को भी ईद पर तनख्वाहें ना मिल सकी। नैब में पेश अफराद की मीडिया पर खबर नशर होने का मामला, अदालत ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को पीर को चैंबर में तलब कर लिया। नैब को लोगों की पगड़ियां उछालने का कोई हक नहीं। चीफ जस्टिस, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब अस्कर हैदर को भी पेश होने की हिदायत। 56 कंपनीज में इजाफी तनख्वाहों की वसूली का मामला, अदालत ने इजाफी तनख्वाहें वसूल करने वाले अफसरान को रकम 3 माह में वापस करने का हुक्म दे दिया। ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता, चीफ जस्टिस। 58 अफसरान ने मजमुई तौर पर 52,74,000 रुपए वसूल किए, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब। शाहीन एयरलाइंस के मुसाफिरों को 1 हफ्ते में हर जाना दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। 2 करोड़ अदालत में जमा करवाने की हिदायत। लोगों का जो हक बनता है फौरन दें, चीफ जस्टिस साकिब निसार। सीमेंट फैक्ट्रियों की जानिब से पानी के गैर कानूनी इस्तेमाल के मामले पर अदालत ने तालाब बंद करने का हुक्म दे दिया। निजी मेडिकल कॉलेजेस को बराह रास्त दाखिले देने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर खातून की बच्चों समेत खुदसोजी की कोशिश, पुलिस एहलकारों ने बर वक्त बचा लिया। घर से कब्जा छुड़वाया जाए, खातून का मुतालबा। पुलिस और दीगर सरकारी महकमों के सताए लोगों का सुप्रीम कोर्ट के बाहर रश लग रहा, एहतजाज। चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील की। हुकूमत की तब्दीली के साथ ही पंजाब में अफसरान की भी तब्दीलियां जल्द। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का इम्कान। वजीर आला सेक्रेटेरिएट, वजीर आला ऑफिस और दीगर सूबाई महकमों के अफसरान की फहरिस्तें तैयार कर ली गईं। अहमद नवाज सुखेरा, मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान, यूसुफ नसीम खोकर के नाम चीफ सेक्रेटरी के लिए जेर गौर। आरिफ नवाज, AD ख्वाजा, डॉक्टर सुलेमान खान, खालिक दादलाले को भी
आईजी पंजाब तैनात किए जाने का इम्कान। एफबीआर में पहले फेज में ग्रेड 20 और 21 के अफसरान के तकरर तबादले किए जाएंगे। नाजायज असासाजात केस साबिक डीजीएलडीए अहद खान चीमा और दीगर मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी गई। एहतसाब अदालत का 4 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। अहद चीमा का मेडिकल करवाने की दरखास्त पर अदालत की सुपरिटेंडेंट जेल की सरजनिश। आइंदा गैर जरूरी दरखास्त पेश की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेल हुकाम की मेडिकल सर्विसेज अस्पताल से करवाने की इस्तदा मुस्तरद। मेडिकल चेकअप शेख सैद अस्पताल या चिल्ड्रन अस्पताल से करवाने का हुक्म। नैब में गिरफ्तार फवाद हसन, फवाद के भाई जवाद हसन भी रिकॉर्ड समेत नैब में पेश। हुलरवान में 5 अफराद के कत्ल का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम वकार, कदीर, लियाकत और जुल्फिकार का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस ने 30 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुलजिमान की पेशी के मौके पर अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जनाब उस्मान अहमद खान बुजदार ने 186 वोट हासिल किया। पंजाब में भी तब्दीली आ गई। नून लीग का 10 साल राज खत्म। पीटीआई के सरदार उस्मान बुजदार वजीर आला बन गए। हमजा शहबाज को शिकस्त। 9 मुंतखब वजीर आला आज शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगे। गुड गवर्नेंस कायम करना और करप्शन का खात्मा पहली तरजीह है, उस्मान बुजदार। एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नेपाल को शिकस्त पर सदर फुटबॉल फेडरेशन फैसल सौले हयात खुश। नेपाल की रैंकिंग पाकिस्तान से 44 दर्जे बेहतर है। पाकिस्तान ने बड़ी फतेह हासिल की। 3 साल कब्जा माफिया ने खेल को बर्बाद किया, फैसल साले हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ठंडी हवाएं, काली घटाएं, शहर का मौसम अचानक पलट गया। दर्जा हरारत में कमी, हब्स का खात्मा, बारिश का भी इम्कान।